नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद और आप देख रहे हैं डेरा डॉग। मोबाइल इंडस्ट्री में शाओमी और टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस जियो आने के बाद ऐसे यूजर ऐसे कस्टमर हम लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि पहले जो चीज हम लोगों को नहीं मिलता था अभी बहुत ज्यादा चीज हम लोगों को मिलता है उससे भी कम पैसे में। रिलायंस जियो को 398 रुपीस के प्लान को टक्कर देने के लिए आज आइडिया ने अपना 398 रुपीस प्लान में काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के बेनिफिट दिया है। और कहीं हद तक, मतलब कुछ हद तक रिलायंस जियो से ये प्लान थोड़ा बेटर लग रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइडिया का 398 रुपीस के प्लान के बारे में, और आप डिसाइड करना ये रिलायंस जियो के प्लान से बेटर है कि नहीं। सो दैट बींग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद घंटी को दबाना मत भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका रिलायंस जियो का जो 390 रुपीज का प्लान है, जैसे सबको पता है उसका 70 डेज का वैलिडिटी रहता है, 2 GB करके डेटा रहता है पर डे, उसके साथ साथ अनलिमिटेड कॉलिंग तो रहता ही है, और जियो का जितने भी ऐप सब्सक्रिप्शन रहता है। इफ यू आर ए प्राइम मेंबर, डेफिनेटली इफ यू आर यूजिंग, डेफिनेटली यू आर ए कंपलसरी प्राइम मेंबर, तो ये सभी फैसिलिटी आपको मिलता है 390 रुपीज के प्लान में। अभी आइडिया जो 390 रुपीज का प्लान निकाला है वहां पर 70 दिन नहीं, वो लोग 84 डेज का वैलिडिटी दे रहे हैं, मतलब डेफिनेटली 14 दिन आपको ज्यादा मिल रहा है रिलायंस जियो से। उसके साथ साथ सेम अनलिमिटेड लोकल नेशनल कॉलिंग का सुविधा आपको दिया जा रहा है, प्रॉबेबली नो FUP क्योंकि आइडिया भी अपने FUP हटा दिया है। उसके साथ साथ आपको दिया जा रहा है 100 SMS पर डे, सेम लाइक रिलायंस जियो। यहाँ पर आइडिया को तो इतना सारा एप्स नहीं है रिलायंस जियो की तरफ, फिर भी आइडिया का कुछ कुछ ऐप सब्सक्रिप्शन शायद आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज ए डेटा, रिलायंस जियो में आपको 70 डेज के लिए 2 GB करके पर डे डेटा दिया जा रहा था, लेकिन यहां पर आपको 84 डेज तक के लिए 1.4 GB करके डेटा दिया जा रहा है। जी हाँ, 1.4 GB करके हाई स्पीड 4G डेटा आपको दिया जा रहा है। सो डेफिनेटली कुछ हद तक आई थिंक, मुझे लगता है ये वाला प्लान काफी बढ़िया है। 1.4 GB आई थिंक सफिशियंट फॉर ए डे फॉर ए मोर ऑर लेस 70% यूजर्स। हाँ, जैसे हम में से हम लोग जैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग के लिए हो सकता है 2 GB भी कम पड़ जाए, लेकिन आई थिंक 1.4 GB आई थिंक मोर देन सफिशियंट अगर हम लोग देखते हैं। इस सब के बीच में यहाँ पर एक कैच है, क्या है आइडिया ये जो प्लान आपका सेल कर रहा है या फिर लॉन्च कर रहा है, ये 2 कैटेगरी में लॉन्च कर रहा है। एक है इनफ्रीक्वेंट यूजर्स के लिए, जिन लोगों के पास से शायद 390 या फिर 399 रुपीज वो लोग दे रहे हैं और 70 डेज का वैलिडिटी दे रहे विद अ सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट्स, बट जो लोग फ्रीक्वेंट यूजर है, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, काफी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है उन लोगों को वो लोग स्पेशल ऑफर दे रहा है 398 रुपीस का विद 84 डेज ऑफ वैलिडिटी, मतलब 14 डेज का ज्यादा वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है एक्जैक्टली कौन से कैटेगरी में आप पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली रिचार्ज करने से पहले आप एक बार चेकआउट कर लो, कस्टमर केयर में कॉल कर लो या फिर लोकल रिटेलर से पूछ लो कि कौन सा रिचार्ज आप करवा पाएंगे। बट फॉर द टाइमिंग जो 84 डेज वैलिडिटी वाला प्लान है 390 रुपीस का, मुझे लगता है काफी प्रॉमिसिंग प्लान है अगर आप आइडिया यूजर है इन कंपेयर टू रिलायंस जियो 390 रुपीज का प्लान। तो आप बताइए ये वाला प्लान आपको कैसे लगा, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर आल्सो, यू कैन लाइक माय फेसबुक पेज आल्सो। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस इज योर होस्ट अभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेरा डॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।